सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जब हमारी फेंटोसा और सिल्वा अरवाना आई थी, मैंने उसके बाद अनबॉक्सिंग वीडियो के बाद मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली थी। अभी पहले आप हमारा टैंक की फिशेस को मैं सबको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारी पिकॉक बास है, ये हमारी रेड स्पॉटेड सेवरम, ये हमारी शार्क, ये हमारी रेड पैरेट, और वो रही हमारी येलो पैरेट, और ये नीचे हमारी फेंटोसा है, और वो ऊपर हमारी अल्बाइनो सिल्वा अरवाना। सो दोस्तों, मैंने वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो के बाद वीडियो इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि जो हमारा मार्वल सेनेगल था, जो हमारा पहले था, अभी भी है हम पे, लेकिन हमने उसे दूसरे कहीं टैंक में डाल रखा है। और उसने क्या करा था कि इस पर बहुत ज़्यादा अटैक कर दिया था, जिससे कि इसके सारे फिन्स निप हो गए थे और सारे फिन्स कट गए थे हमारी से अरवाना के। और आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके फिन्स कहाँ से निप हुए थे। ये भी थोड़ा घूम के आएगी तब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए देखिए तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा जगह जगह इसके फिन्स थोड़े छोटे हैं। अब वो फिंस काफ़ी आ चुके हैं, पहले वो पूरे कट गए थे, पूरे एंड तक जहाँ पे येलोशपन है वो पहले के फिंस है इसके, जहाँ येलोपन नहीं है वो उसके अब के फिंस है। अभी फिंस इसके धीरे धीरे आ रहे हैं और वो जल्दी 3-4 दिन में आ जाएंगे पूरे फिंस। और आप हमारे टैंक को देख सकते हैं, थोड़ा ही क्लाउडी हो रखा है क्योंकि इसका फिल्टर अब प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। मैं अभी एक बार इसकी स्पॉन्ज चेंज कर दूंगा, उसके बाद ये एकदम साफ हो जाएगा। और मैं अभी कैनिस्टर फिल्टर देख रहा हूँ, मैंने मेरा जो जिससे फिश वगैरह लाता हूँ वो बोल रहा था कि भाई मेरे को कि मैं तो बहुत सस्ते में दिला दूंगा क्योंकि वो ऑनलाइन मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है फिल्टर। और आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तो बस यही कहा उसने। और मैंने भी थोड़ा वेट कर रहा हूँ, मैं वो कहीं गया हुआ, जब आ जाएगा तो मैं इसमें कैनिस्टर फिल्टर ऐड जरूर करूँगा। और ये हमारा जो ये जो ऑक्सीजन पाइप है ये पीछे छूट के आगे आ गया, इसे भी मैं प्रॉपर सेट कर दूंगा, इसकी नई मुझे रबड़ लानी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं हमारी अरवाना दोबारा आ चुकी है। ये देखिए गाइस, देख रहे होगे आप येल्लो शवन जहाँ पे, वो इसके पहले की फिंस है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी सारी फिशेस एक्टिव हैं और अच्छे से स्विम कर रही हैं। ये देखिए, तो फिर मैंने इसमें डिसाइड कर लिया है कि अब मैं इसमें पीछे लाइट भी ऐड करूँगा। मैंने लाइट दोस्तों मैंने ला के रख ली है, बस मैं उसे लगाने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। जो मैंने जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके पीछे ब्लू कलर की लाइट लगाऊंगा, और वो मैंने ला के रख ली है। अब मैं इसे जहाँ तक एक आध दिन में उसे लगा के और मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। और आप हमारी सिल्वर अल्बाइनो और वाना वो देख सकते हैं। देखिए हमारी पिकॉक बास भी बहुत एक्टिव है, और ये जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ पता नहीं क्यों एक कोने में हो जाती है, जैसे कि अभी आपने देख रहा होगा अभी ये आ गई हैं। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये एक कोने में चली जाती हैं सारी। ये देखिए हमारी अरवाना। और मैं इसमें एक चीज़ और सोच रहा हूँ, जैसे कि मैं इसमें अरवाना का लोगो बनाने की सोच रहा हूँ, जो ब्लैक पट्टी ऊपर की तरफ है ना, इसके ऊपर मैं एक अरवाना बनवाने वाला हूँ। मैं वो जाऊँगा और बनवा के लाऊँगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप टैंक में बहुत ज़्यादा क्लाउडी बने, ये मेरे को बेकार लग रहा है। आप मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, और मैं और क्या ही कर सकता हूँ वेट के अलावा। और जल्दी इसको लगाएंगे, तो मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।